डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यालय में धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव, प्रदेश अध्यक्ष सुंदरलाल लोधी एवं समाजवाद की धारा को आगे बढ़ाने वाले नेता भगवती सिंह जी के साथ तमाम प्रगतिशील समाजवादी नेता मौजूद रहे। शिवपाल यादव ने इस मौके पर कहा कि डॉक्टर लोहिया ने एक न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और समतामूलक समाज की स्थापना के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया। जन कल्याण के प्रति संवेदनशील शासन के लिए वो अभी भी प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया 20वीं सदी में भारत के सबसे विशिष्ट व्यक्ति थे। उन्होंने जमीनी स्तर की राजनीति के लिए खुद को समर्पित किया। उनके समृद्ध विचारों ने लगातार सामाजिक राजनीतिक विमर्श को आकार दिया है। इस मौके पर शिवपाल यादव ने कहा कि हमें भी उनके विचारों को सीखने की जरूरत है। इसके लिए पार्टी द्वारा कार्यकर्ताओं को उनके विचारों को बताया और समझाया और सिखाया जाएगा। उनकी जयंती पर शिवपाल समेत सभी लोगों ने डॉक्टर लोहिया को नमन किया। इसी क्रम में शिवपाल यादव ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत को भी याद किया। शिवपाल जी, आज समाजवाद का दिन है, तो समाजवाद को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या बदलाव आए हैं समाजवाद में, तब के समाजवाद में और आज के समाजवाद में क्या फर्क देते हैं? समानता और समतामूलक समय के साथ रचना के लिए विचार को बदले। अगर उन्हीं पर चलना होगा, अगर समाज में परिवर्तन लाना है, तो उनका उन्हीं के विचारों पर चलना होगा। लेकिन आजकल बहुत से लोग समाजवाद की बात तो करते हैं, लेकिन लोहिया जी के सिद्धांतों से भटक चुके हैं। लेकिन हमारी तो नई पार्टी है, और 6 महीने में हमने जो पार्टी जिलों में और बूथ तक पहुंची है, तो इन्हें थोड़ा सा प्रशिक्षण देने की ज़रूरत है। इस चुनाव के बाद ये पूरी तरह से लोहिया जी के विचारों पर, सिद्धांतों पर खड़ा हो करके ये हमारा सत्तामूलक समाज की संरचना कैसे हो, उस पर चलेगा। ये प्रशिक्षण किस तरीके से देंगे आप? अब देंगे ना, हमारे पास हैं पुराने नेता हैं, और उनसे मैंने कहा कि लोहिया जी को पढ़ें, भगत सिंह को पढ़ें, चंद्रशेखर आज़ाद को पढ़ें। पढ़ करके और हमारे पास ऐसे सीनियर हैं, जैसे प्रोफेसर भी हैं यूनिवर्सिटी में, उनको बुला करके फिर प्रशिक्षण चलेगा। देखिए, समाजवाद एक प्रगतिशील और जीवंत सिद्धांत है, जो गैर बराबरी को ख़त्म करके इस देश में शोषण विहीन, समता मूलक, समृद्ध समाज की स्थापना के लिए बना है। यह चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का मधुर सपना था। इसीलिए इन शहीदों ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। उस मधुर सपने को सिद्धांत के रूप में ढाला महात्मा गांधी और श्रद्धेय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। तो समाजवाद का मतलब यह है कि जो समाज का वर्ग है, समाज की शक्ति, चाहे वो लोकतांत्रिक शक्ति हो, चाहे आर्थिक शक्ति हो, वो समान रूप से वितरित हो, सम्यक रूप से वितरित हो, और अमीर और गरीब के बीच में जो मानसिक विभेद है वह समाप्त हो, नर नारी के बीच का मानसिक विभेद समाप्त हो। और समाजवाद कोई स्थानीय या कोई वैसा मुद्दा नहीं, यह राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। अगर मैं लोहिया जी की बात करूं, तो जो हम लोगों ने नई प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया बनाई है, तो आपने देखा होगा कि हम लोगों ने इस वर्ड को भी आगे साथ में ले चले। एक्चुअल में जो हमारी पार्टी का मुख्य ध्येय है, मुख्य सिद्धांत है, हम लोग लोहिया की विचारधारा पर चलने वाले हैं, और लोहिया की विचारधारा को समाज के बीच में लेकर आने वाले हैं। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं माननीय शिवपाल सिंह यादव जी, वो पूरी तरह से लोहिया की विचारधारा को आगे लेकर समाज में आने वाले हैं। कहीं ना कहीं ये विचारधारा जो है धूमिल होती जा रही है, लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं, गलत समाजवाद का एक निर्माण होना शुरू हो गया, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है कि असली समाजवाद की अगर बात हो, तो असली समाजवादी जो भी पार्टी है वो हम लोग हैं, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। और कई लोग आप जानते हैं कि समाजवाद की बात करते हैं, तो लेकिन वो कहीं ना कहीं लोहिया जी के सिद्धांतों से पूरी तरीके से भटक चुके हैं, और वो गलत दिशा में जा रहे हैं। आप देख ही रहे हैं, मुझे बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।